हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 10 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, द सोशियोलॉजी ऑफ योगा। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो मैं शॉर्ट वीडियो लाता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो होते हैं। और आज योगा डे है, 21 जून। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून जो है हमारे लिए एक गौरव का दिन होता है, क्योंकि योगा जो है उसकी उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई थी, ठीक है। और इंटरनेशनली इसे एक्लेमेशन मिला है, भाई इंटरनेशनल डे बनाया गया है। 21 जून जो है वो दिन रखा गया है योगा के लिए, ठीक है। चलिए, उसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ना केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे। तो मैं सबसे पहले मॉडर्न पीरियड जो अभी जो 2022 में जो थीम है जो रखी गई है उससे शुरुआत करूंगा, फिर उसके हम लोग हिस्ट्री पे देखेंगे और ओरिजिन की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, योगा से रिलेटेड दो थ्योरीज हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है ये अच्छी तरह से याद रखिएगा कि 21 जून को मनाया जाता है। और 2022 का जो योगा डे का थीम था वो क्या था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। याद रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार का थीम था। ठीक, इंटरनेशनल योगा डे जो है हम लोग 21 जून को कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2015 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2015 से लगातार हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। वी आर सेलिब्रेटिंग एनुअली ऑन 21 जून सिंस 2015 द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इट्स इंसेप्शन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2014 में यह प्रस्ताव रखा गया था भारत के द्वारा कि भाई इंटरनेशनल योगा डे होना चाहिए, ठीक है। किसने रखा था यह भी आपको पता होना चाहिए, किसने रखा था। सबसे पहले तो यह देख लीजिए कि योगा है क्या। योगा एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। याद रखिएगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यूएन को एड्रेस करते वक्त सजेशन दिया था कि भाई जो डेट जो है 21 जून होना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन ने उनकी इस बात को मान लिया, ठीक। तो 21st डे ही क्यों रखा गया, क्योंकि 21st जून जो है ऐसा माना जाता है कि उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, और लॉन्गेस्ट डे माना जाता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में। याद रखिएगा, भारत जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और ग्लोब को जब हम डिवाइड करते हैं दो भाग में तो एक नदर्न होता है, एक सदर्न होता है। तो जो नदर्न पार्ट है उसका लॉन्गेस्ट डे होता है 21st जून, और उसका बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस है हमारे हिंदू कैलेंडर में, ठीक, और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो इस वजह से मोदी जी ने कहा कि चलो भाई 21 जून जो है वो इंटरनेशनल योगा डे रख देना चाहिए। तो फिर उनके कहने पर जो यूएन है, यूएनजीए जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2014 में, उन्होंने तय कर लिया कि ठीक है भाई 21 जून हम रख देते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से थिंकर्स जुड़े हुए हैं योगा के साथ, और हमें पता होना चाहिए। मगर उसके पहले, अगर आपने अभी तक बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर नहीं ज्वाइन किया है ये ग्रुप, तो ज्वाइन कर लो जल्दी से, ठीक है। इस पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाती हैं बहुत सारी। पेड क्लास अगर आप करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं यार कि आपका JRF हो जाए, आप सबके मुंह पे ताला लगा सकें, जो आपके विरोधी हैं उनको चुप करा सकें, ठीक है। तो सोशियोलॉजी मेरे से सरल आपको कोई समझा नहीं सकता है, ये मेरा दावा है, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, तो मैं उन्हीं के दम पर ये बात बोल सकता हूं, ठीक है। 9241333666 पर कॉल कर लीजिएगा अगर आप क्लास को एनरोल करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। पाणिनि, 4th century में पाणिनि, याद रखिएगा पाणिनि, ठीक, 4th शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 4th century बिफोर क्राइस्ट, ठीक, रोट दैट द टर्म योगा कैन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट्स, यूजर योगा और यूज समाधु, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
योगा के क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट करने की विधि है, पाणिनि ने बताया था। ठीक, योगा बीइंग वाइडली कंसीडर्ड एज एन इमॉर्टल कल्चर आउटकम। योगा क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि योगा इंडस सरस्वती, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस और सरस्वती वैली सिविलाइजेशन में 2700 साल क्राइस्ट के पैदा होने के पहले, बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, हैज प्रूव्ड इटसेल्फ कैटरिंग टू बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कल्चर था वहां का, उसमें हमें कैसे पता चलता है, उधर की सील से पता चलता है, जो सील होती है ना, जो फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, उससे पता चलता है। और वो लोग ये मानते थे कि मटेरियल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है क्या, योगा। ठीक, तो सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के अमर सांस्कृतिक परिणाम के रूप में माना जाता है कि 2700 ईसा पूर्व से पहले मानवता के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो है योगा लोग किया करते थे, समझ गए। नेक्स्ट जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, योगा जो पॉपुलराइज किया है वो महर्षि पतंजलि जी ने, एक सिस्टमैटिक रूप से और कॉडिफाइड रूप से, कि मतलब इसके बाद ये एकदम सिस्टमैटिक बनाने का काम जो किया था वो पतंजलि, इसलिए हम लोग पतंजलि योग के नाम से जानते हैं, महर्षि पतंजलि योग। पतंजलि ने क्या किया, इसे एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में और संहिताबद्ध करने का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका भगवद गीता में भी जो है, भगवद गीता और वेदा में भी और प्री वैदिक पीरियड में भी बहुत सारे जो इसके डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है, लेखों में मिलते हैं बहुत सारे हमारे पुराणों में मिलते हैं, बहुत सारे हमारे सूत्र में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन भगवद गीता ने इसमें तीन तरह के योग बताए हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवद गीता में तीन तरह के योग बताए हैं, सबसे पहला है ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है कर्म योग। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भगवद गीता को भगवद गीता, ज्ञान को ज्ञान योग और भक्ति को भक्ति योग और कर्म को कर्म योग ही कहा जाता है। ठीक, अलेक्जेंडर जो हमारे देश में आक्रमण किए थे, तो उनके बारे में जब लिखा गया था ना, तो उनके साथ एक बंदा आया था जिसका नाम था ओनेसिक्रिटिस। ठीक है, अलेक्जेंडर के साथ ही ये भी आए थे और ये क्या करते थे, ये इतिहास लिखते थे। तो इन्होंने भी हमारे हिंदुस्तान के जो योगी को डिस्क्राइब किया था ना, ओनेसिक्रिटस ने, ठीक, इन्होंने जब हमारे योगियों को डिस्क्राइब किया, तो इन्होंने बताया कि योगी जो है यहां के सुबह उठ करके बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक, एक सीक्वेंस में एक्सरसाइज करते हैं, इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फोर्थ सेंचुरी बीसी में अलेक्जेंडर जब हमारे देश में आया था, तो उसके साथ ओनेसिक्रिटस भी आया था। ठीक, ओनेसिक्रिटस, ठीक है, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक, अपनी किताब में। ये देखिए, ये लिखा भी है, सेक्शन 63 से 65 के बीच में उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ योगा, यही मैं आप लोगों को बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है लीनियर मॉडल ओरिजिन ऑफ योगा, ठीक, जिसे किसने दिया है, एडवर्ड फिज पैट्रिक क्रेंगल, ठीक है, इन्होंने दिया है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल क्या कहता है कि भैया हिंदू धर्म से जोड़ने का काम करता है। ये कहता है कि योगा की उत्पत्ति जो है वो हिंदू धर्म में ही हुई है और वेदा से जुड़ा हुआ है, ठीक, ये वेदा से जुड़े हुए हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़ा हुआ है। यानी ये बोलते हैं कि उत्पत्ति किन्होंने की है, ये हिंदू धर्म से विशेष जोड़ करके देखते हैं। रेखिक मॉडल के जो संस्थापक हैं वो है एडवर्ड फिट जेट्रिक कैक्रेगल। उन्होंने कहा कि यार हिंदू धर्म से ही भारतीय चिंतन प्रथाओं और उत्पत्ति और प्रारंभिक विकास की व्याख्या करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये मतलब ये कहता है कि भारतीय धर्म से ही संबंधित है, इसमें और किसी से संबंधित नहीं है, पारंपरिक हिंदू धर्म में जो वेद वगैरह हैं उनसे संबंधित है। ठीक, एडविन ब्रायंट भी इस थ्योरी के संस्थापक हैं, रोट दैट ऑथर हु सपोर्ट इंडिजिनियस आर्यनिज्म ऑल्सो टेंड टू सपोर्ट लीनियर मॉडल। ये कहते हैं जो इंडोलॉजिस्ट है ना, वो भी लीनियर मॉडल का समर्थन करते हैं।
क्योंकि विशेष तौर पे योगा का जो लेख है, योगा के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो कहां पे मिलता है, वो हमारे हिंदू पुराणों में मिलता है, हिंदू शास्त्रों में मिलता है। इसका सहारा लेकर के ये कहते हैं, लीनियर मॉडल कहता है कि ये हिंदुओं के ही धर्म से जुड़ी हुई थी। लेकिन सिंथेसिस मॉडल क्या कहता है ये देख लेते हैं। संश्लेषण मॉडल, सिंथेसिस मॉडल के संस्थापक जो है वो है हेनरिच जीमर, वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ सिंथेसिस मॉडल आर्गुइंग फॉर नॉन वैदिक ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये नॉन वैदिक ईस्टर्न स्टेट जो है ये कहते हैं कि योगा वहां भी पाया जाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीमर योगा इज पार्ट ऑफ नॉन वैदिक सिस्टम विच इंक्लूड सांख्य स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। रिचर्ड गॉम्ब्रिज एंड गॉफ्रे सैमुअल बिलीव्स दैट श्रमण मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन नॉन वैदिक ग्रेटर मगध। ये कहते हैं कि नॉन वैदिक जो लोग थे ना, जरूरी नहीं है कि वैदिक और प्री वैदिक, नॉन वैदिक जो ईस्टर्न साइड में रहने वाले जो भारत के लोग थे, ठीक है, जो वेदा को नहीं मानते थे, ठीक, वो लोग भी योगा को प्रैक्टिस किया करते थे, योगा का अभ्यास किया करते थे। ठीक है, ये मानता है, ये केवल हिंदू से रिलेटेड रिलेटेड नहीं रखता है, ये कहता है जैनिज्म बुद्धिज्म और भी जो लोग थे वो भी योगा प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक, हेनरिक जिमर भारत के गैर वैदिक पूर्वी राज्यों के लिए तर्क देते हुए संश्लेषित मॉडल का प्रतिपादन करते हैं। जिमर के अनुसार योग एक गैर वैदिक प्रणाली का हिस्सा है जिसमें हिंदू दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध धर्म के सांख्य स्कूल शामिल हैं। रिचर्ड गोम्ब्रिच और जेफरी सैमुअल का मानना है कि श्रमण आंदोलन की शुरुआत गैर वैदिक ग्रेटर मगध में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बातें आप लोगों को कम से कम याद रखनी चाहिए। और अमेरिका में अभी एक रिसर्च चल रहा था, जो लोग होमलेस थे ना उनमें बहुत स्ट्रेस और डिस्ट्रेस आ रहा था। ठीक, तो एक रिसर्च किया गया कि यार उनके स्ट्रेस को, उनके डिसअपॉइंटमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उस रिसर्च में उन सारे लोगों को योगा कराया गया। योगा कराया गया तो वो जो स्ट्रेस में थे, जो डिसअपॉइंटेड लोग थे लाइफ से, वो खुश रहने लगे। ठीक, और उनमें एक नया कॉन्फिडेंस आया और फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए। ठीक है, तो ये यूएस भी प्रूफ करता है कि जो योगा है दैट इज रियली जो लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज है और वो करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने अभी तक बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी मेरा ग्रुप जो है बाय मनोज सर ये ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे फ्री क्लासेस आपको मिल जाते हैं, फ्री इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाते हैं जो कि आपको जेआरएफ अचीव करने में आपकी मदद करते हैं और जेआरएफ को अचीव करने के लिए आपको आसान बनाते हैं। ठीक है, पेड क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत खुशी होती है हम लोगों को, और 9241333666 पर आप कॉल करेंगे तो आपकी पूरी मदद की जाएगी पेड क्लास के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा कि आप लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। शेयर आप चाहे जितने बार कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।